हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। जो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी एंड डेली चार्ट और बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट 25092, फर्स्ट रेजिस्टेंस 25345 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 25607, थर्ड रेजिस्टेंस 25860, फर्स्ट सपोर्ट 24829, सेकंड सपोर्ट 24577 एंड थर्ड 24314। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी 4 आवर चार्ट और हमने जो वीकली जो एक रेंज बनाया था पहले और वही रेंज पे अभी तक मार्केट उस रेंज में ही है और ये 100 मूविंग एवरेज उसका एक सपोर्टिंग रेंज बना के रखा हुआ है और रेंज का। तो अगर डेली चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं ये वीकली में तो एक रेंज में है, स्टिल अप ट्रेंड में, और डेली में देखेंगे तो थोड़ा डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है हमें बैंक निफ्टी का। तो उसमें आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज का नीचे है और थोड़ा अभी आज देख सकते हैं ये 50 मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो ये डाउन ट्रेंड का एक सिंबल है यहाँ पे। तो अगर उसको मैं थोड़ा अंडर कर लेता हूँ, हाँ तो यहाँ पे देख सकता है क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्टिंग रेंज बना के रखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ से मतलब आप देख सकता है अगर छोटा टाइम फ्रेम देखे तो इसमें आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। तो अगर 4 आवर में देखे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इसमें एक बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट किया था, उसका बाद हायर लोअर लो बनाया ये इसमें, उसके बाद एक हायर हाई बनाया। तो ये जो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन था उसको ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, तो बाद में एक रिट्रेसमेंट हुआ। अभी देखना है रिट्रेसमेंट कहाँ तक होना है। तो आप यहाँ पे अगर इसका लोअर लो ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे तो कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा मार्केट। तो अगर यहाँ पे हम अगर फिबोनाची यूज़ करके भी देख सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ तक होने वाला है, तो आप देख सकते हैं 38% तक ये रिट्रेसमेंट हुआ है। तो अभी भी कुछ कंफर्म दिया नहीं यहाँ पे, अगर मार्केट इसको देखना है हमें, अगर ये जो लोअर पॉइंट था इसको ब्रेकआउट कर पाता है क्या, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट तो इसको ब्रेकआउट कर पाएगा या यहाँ से बाउंस बैक होगा, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये हायर हाई पहले बनाया था, ये पहले जो हायर था ये हायर हाई ब्रेकआउट किया तो बाद में ये एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, राइट। तो रिट्रेसमेंट करके मुझे लगता है अगर इसको अगर पहले जो सपोर्टिंग लाइन है और नहीं तो ये, तो इसको अगर ये जोन में अगर मार्केट बाउंस बैक होता मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस है, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा क्या ये लोअर लो बना पाता है क्या नहीं। तो अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में देखें जैसे 15 मिनट में मार्केट ये साइडवे हो रहा है, तो थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ मैं, थोड़ा ये अभी मार्केट साइडवे में है। आप देख सकते हैं एक बार 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हुआ है, बाद में फिर से नीचे ब्रेकआउट किया, फिर से ऊपर नीचे, तो एक साइडवे मार्केट में है। तो मुझे लगता है ये साइडवे यहाँ से फिर से ऊपर जाने का चांसेस कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम में इसमें मार्केट एक बार ब्रेकआउट किया, नीचे आ रहा है, ट्राई किया उसको ब्रेकआउट, तो एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्टिंग लाइन बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो मार्केट टोटली बैंक निफ्टी साइडवे में है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहता तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा रिमूव करके देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मार्केट टोटली साइडवे में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, अगर आपको एंटी करना चाहिए होता है तो इसका नीचे में ही एंटी करना बाय के लिए करना चाहिए रहेगा इसका आसपास, क्योंकि मार्केट साइडवे में है, राइट।
तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मार्केट साइड है, यहाँ पे एक रेंज मिला हमें और दूसरा रेंज इधर, एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो आपको एंटर करना है तो ये रेंज में ही बाय सेल करने का मुझे लगता है सही रहेगा। तो दोस्तों, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।